ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯ ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಕರಣ ಮರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲೇಬೇಕು ईशान्य भारत के मणिपुर एक स्टेट है, उसमें एक बहुसंख्यक लोग मैथिल लोग है और अल्पसंख्यक कुकी लोग, मतलब ये बुड़कट्टू लोग है। वो लोगों को शेड्यूल ट्राइब में लेने के लिए मांग रखे है। वो मांग को लेकर मेरा शेड्यूल ट्राइब पे वो ना मेरा शेड्यूल ट्राइब आपस में संघर्ष हो रहा है। ये मई से चालू है ये संघर्ष, में अभी तक 250 लोग मार चुका है और औरतों को नंगा करके अत्याचार करके जो मर्डर कर रहे हैं। वो इतना होते हुए भी केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और वहाँ के जो मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार है कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, तो इसके वास्ते हमारा मांग है, पंत प्रधान को हम मांग करते हैं जल्द से जल्द आप इसमें शामिल होके ये जो दंगा मुस्ती चल रहे है, संघर्ष चल रहे है, इसको ख़त्म करने के लिए हम मांग करते हैं। और जो जितने भी मर चुका है सब जुडिशियली इंक्वायरी होना बोल के हम मांग करते हैं। और दूसरे जो बेलतंगड़ी तालुके के दो धर्मस्थल है, 2012 में एक सौजन्य 17 साल का कॉलेज लड़की को बलात्कार करके उसको मारा गया है। वो उसमें धर्मस्थल के पीठाधिपति धर्मेंद्र हेगड़े और उनका फैमिली शामिल हो गए बोल के, वो वीरेंद्र हेगड़े शामिल हो गए बोल के ये मांग था। तो फिर बाद में ये सीआईडी को सौंपा गया। बिपिन गोपाल कृष्ण डीजी एक सीआईडी इंक्वायरी में एक संतोष राव बोल के अक्यूज्ड को बनाया। ये संतोष राव को कोर्ट ने रिहाई कर दिया है। तो इसके वजह क्या है, इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है। ये पूरा तमाम री इन्वेस्टिगेशन होना बोल के हमारा मांग है। और गुलबर्गा आलंद तालुका में एक गांव है, 12 साल का लड़की ये स्कूल बच्ची अपने गांव से रिश्तेदार गांव को मिलने के लिए जा रहे थे, उसमें अत्याचार कर वो लड़की को अत्याचार करके एक तालाब में फेंक गया। तो वो पुराने एक साल के पीछे एक अत्याचार हुआ था, वो गन्ने के खेत में फेंका गया था। वो अत्याचारी एक आरोपी को पकड़ा गया सो है, असली कौन है कल्प्रिट उसको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए बोल के हम कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के राष्ट्रपति को हम मांग कर रहे हैं आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास अठावले के पार्टी की तरफ से।